हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं 3BHK 2D फ्लोर प्लान के बारे में, जो कि 30x48 फुट 6 इंची के प्लाट में है, जो कि वेस्ट फेसिंग है। इसकी तीनों दीवारों चरपेटे हैं, यानी तीनों तरफ किसी दूसरे का प्लाट है और सामने की तरफ 30 फीट की रोड है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इसमें दो दरवाजे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े वाले दरवाजे की साइज है 10 फुट 1.5 इंची, जिसमें आराम से एक बड़ी गाड़ी आ सकती है, और छोटा वाला नॉर्मल आने जाने के लिए है। ये है 4 फुट 9 इंची, 4 फुट 9 इंची का ये छोटा दरवाजा है। जैसे हम दरवाजे के अंदर जाएंगे, राइट साइड में अपने पास आएगा लॉन एरिया, जो इसके ऊपर बालकोनी आ जाएगी 3 फुट 3 इंची की। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अपने पास पोर्च है, 14 फुट 10.5 इंची x 18 फुट 9 इंची का अपने पास पोर्च आ गया। और पोर्च के नीचे, पोर्च के छत के नीचे आ जाएगा वाटर टैंक, जिसकी साइज है अपने पास 8 फिट x 9 फिट, डेप्थ है इसकी 6 फिट। जैसे ही अपन आगे चलेंगे तो अपने पास ये स्टेयर्स आ गई, जो कि 1.5 फुट के लेवल पर है, यानी पोर्च के लेवल से जो अपने पास फ्लोर का लेवल आ गया ये 1.5 फुट ऊपर रहेगा, जिसमें 1, 2, 3 स्टेयर्स आ जाएंगी। और इधर जो अपने पास ये बेडरूम है, जो कि फर्स्ट बेडरूम आ गया अपने पास, जिसकी साइज है 10 फुट 6 इंची x 14 फुट 1.5 इंची, काफ़ी सफिशियंट साइज है। बेड के सामने आ गया टीवी यूनिट, और इधर आ गई ये जो अपन अलमारी बोलते हैं इसको, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। इस रूम के दो दरवाजे एक सामने की तरफ से है, ये सामने की तरफ 5 फुट की विंडो आ गई, और ये इधर 3.5 फिट का गेट, और ये वाला 3.5 फिट का गेट। मेन दरवाजा अपने पास है 4 फिट का। अंदर चलेंगे जैसे ही तो एक छोटी लॉबी आ गई अपने पास, जिसमें इधर वॉश स्टेशन आ गया, और जो ये अपने पास है साउथ वेस्ट की तरफ मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग एकदम सही कोण में है। मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण के अंदर ही आता, जिसकी साइज है 13 फुट 3 इंची x 12 फुट 3 इंची, काफी बड़ी साइज है रूम की, काफी सफिशियंट साइज। इसमें टीवी यूनिट आ गया, बेड आ गया अपना, और ड्रेसिंग एरिया। अब आगे चलते हैं तो अपने पास आ गए कॉमन टॉयलेट बाथरूम। कॉमन टॉयलेट बाथरूम की साइज है 9 फुट x 4 फुट 9 इंची। इसमें शावर एरिया और टॉयलेट एरिया, जो कि अलग अलग, और इसका इधर वेंटिलेशन आ गया, जो कि इस OTS में खुल रहा है। ये अपना वॉश स्टेशन आ गया, और इधर से जो अपनी स्टेयर्स है लिविंग एरिया के अंदर, इधर से टॉयलेट आ गया अपना, जिसकी साइज है 4.5x4 फिट। ओनली टॉयलेट है, इसका वेंटिलेशन OTS में खुल गया, जो कि ऊपर चला जाएगा। लिविंग एरिया या डाइनिंग एरिया जिसको हम कह सकते हैं, ये आ गया अपने पास 28.5x12 फिट का, 28.5 फिट ऐसे लंबा और 12 फिट ऐसे चौड़ा, 28.5 फिट चौड़ा और 12 फिट लंबा। इधर सोफा आ गया, और इधर स्टेयर्स की चौड़ाई है 3.5 फिट, और जो राइजर है वो अपने पास 6 इंची का आ गया, और जो एक स्टेप बन गई ना, वो 10 इंची की स्टेप है अपने पास। सामने की तरफ पूजा रूम है 4x4 का, जो छोटा अच्छा लगता है। सामने की तरफ मेन डोर के जस्ट सामने पूजा रूम आ गया, और देखिए दोस्तों, ये 2D फ्लोर प्लान है, और इसमें इसकी काफी अच्छी 3D भी बन सकती है, सामने से एलिवेशन इसका काफी अच्छा रहेगा। अब चलते हैं अपन किचन की तरफ। अपने पास किचन की साइज है 13 फुट 3 इंची x 8 फुट 6 इंची की।
तो दोस्तों ये अपने पास किचन है जिसकी 13 फुट 3 इंची इंटू 8 फुट 6 इंची की साइज़ है। किचन काफ़ी बड़ा है। किचन में अलग से इसका स्टोरेज रूम है जिसका साइज़ है 4 फिट इंटू 4 फिट 1 इंची। इसमें अपन अपना किचन का छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। सामने दरवाजा है जिसमें OTS अपना OTS आएगा, क्योंकि तीनों तरफ चरपेटे हैं तो किचन की गैस और जो अपना इधर बेडरूम है इसकी गैस इस OTS से बाहर निकल सकती है। OTS काफ़ी बड़ा है, इसमें इसका इसको और भी कई तरीकों में यूज़ लिया जा सकता है। OTS की साइज़ है अपने पास 4 फिट तो ये लंबा है और 14 फिट चौड़ा है OTS अपना, मतलब OTS तो 3 फिट का रहेगा, 1 फिट की तो छत आ जाएगी अपनी, और 3 फिट OTS 3 फिट इंटू 14 फिट का OTS हो जाएगा, बाकी की क्लियर छत आ जाएगी। अब इधर आते हैं तो ये अपने पास बेडरूम आ गया जो कि तीसरा बेडरूम है अपने पास। 10.5 फिट इंटू 12.5 फिट का बेडरूम है, काफ़ी अच्छी साइज़ है बेडरूम की भी, जिसका 3.5 फिट का गेट रहेगा। तो दोस्तों ये था अपना 3 BHK वेस्ट फेसिंग 30x48 फुट 6 इंची का प्लॉट, जिसमें काफ़ी अच्छी 2D फ्लोर प्लानिंग की गई है, सभी सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है और वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा प्लान है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही अच्छी और बढ़िया फ्लोर प्लानिंग के वीडियो, 3D डिज़ाइनिंग के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।